के साथ मौजूद है 92.7 बिग एफएम वाले और हम मौजूद हैं एलन क्रिक में जहां पे समर कैंप खत्म हुआ है। रचित जी हमारे साथ मौजूद हैं और ये यहां के सर हैं, फैकल्टी हैं। लेकिन मैं रचित जी का पहले स्वागत करूंगा, बताना चाहूंगा कि आज समर कैंप के बारे में क्या कहेंगे आप हमारे व्यूअर्स से, लिसनर्स से। हमारे चिक्कस के बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है और यही एक रीज़न है कि आउटसाइडर में अगर पार्टिसिपेट करना है इसमें हमें काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। सत्येंद्र मसीह जी हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने बड़ी मेहनत की है और मुझे यहाँ लाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। सत्येंद्र जी ज़रा बताइए आज इस आपके चेहरे पर मुस्कान ही बता रही है, बहुत ही सक्सेसफुल आज समापन हुआ इस कैंप का। समर कैंप हम लोग एवरी ईयर ऑर्गेनाइज करते हैं और काफ़ी मेहनत करते हैं, जैसे आपने कहा कि सही में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अवेयरनेस करनी पड़ती है लोगों को। लेकिन जैसे अभी दीक्षित जी ने बताया कि लास्ट 2 ईयर से जैसे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो अब क्या है कि जो पिछले जो पेरेंट्स हैं हमारे वो खुद उन लोग को पूछते हैं कि आपका समर कैंप कब से ऑर्गेनाइज होने वाला है, तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट बना हुआ है क्योंकि एवरी ईयर हमारे यहाँ कुछ ना कुछ नया होता है। जैसे बात कहते हैं कि डांस के लिए हम लोगों ने मोटिव किया था बच्चों को कि डांस अच्छे से देखिए, और आपने जैसे देखा भी होगा नीचे परफॉर्मेंस हुई थी तो अच्छे से बच्चों ने उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। तो अब हमें तो रहता है कि साथ में बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी ध्यान रहता है कि पेरेंट्स कब ऑर्गेनाइज करेगा समर कैंप। बहुत बढ़िया, और ये सारी मेहनत सबके लिए तो मुबारकबाद एक तरह से फिर से सबको, चाहे फैकल्टी मेंबर्स हो, चाहे प्रिंसिपल मैम हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे बच्चे हो, और जो भी यहाँ एलएनकिट से जुड़ा हुआ है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।